एक समस्या जो पहले इक्का दुक्का लोगों में दिखाई देती थी लेकिन अब आम होती जा रही है, जिसमें किसी को लंबे समय तक बैठे रहने के बाद अचानक उठने की स्थिति में अक्सर पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने जैसे अनुभव हो सकता है। आमतौर पर बैठने पर रक्त संचार में आने वाली कमी के कारण इस तरह की दिक्कतें होती हैं, पर क्या आपको अक्सर ही इस तरह की समस्या बनी रहती है? अगर हाँ तो सावधान हो जाएं, यह तंत्रिकाओं में होने वाली गंभीर क्षति की स्थिति का संकेत हो सकती है। इतना ही नहीं, इसे डायबिटीज की गंभीर समस्या, डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर किडनी फेलियर की तरफ इशारे के रूप में भी देखा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह की दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे गंभीर समस्याओं का जोखिम हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन गंभीर स्थितियों में पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने की समस्या हो सकती है, जिन पर तेजी से ध्यान देना जरूरी हो जाता है। हाथों पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने की दिक्कत को डायबिटिक न्यूरोपैथी के संकेत के तौर पर भी देखा जाता है। डायबिटीज की इस गंभीर स्थिति में तंत्रिकाओं में क्षति हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि डायबिटीज की अनियंत्रित स्थिति की वजह से तंत्रिकाओं में क्षति हो सकती है, जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र कमजोर होने लगती है। इस स्थिति में हाथों पैरों में होने वाली झुंझुनी की दिक्कतों के अलावा हृदय से संबंधित विकारों का भी खतरा रहता है। अगर आपको अक्सर झुंझुनी या सुन्न होने की दिक्कत महसूस होती है तो इस बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। हाथों में झुंझुनी या सुन्न होने की दिक्कत को कार्पल टनल के भी संकेत के तौर पर जाना जाता है। यह समस्या कलाई से गुजरने वाली तंत्रिका के संकुचित हो जाने के कारण होती है। चोट लगने, बार बार ही एक काम करने या सूजन के कारण यह दिक्कत हो सकती है। कार्पल टनल की समस्या में हाथ की उंगलियों में सुन्नता या झुंझुनी महसूस होती रहती है। कुछ स्थितियों में पूरी बांह में भी यह दिक्कत महसूस हो सकती है, इसमें पैरों में दिक्कत नहीं होती है। अक्सर हाथों पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने की समस्या महसूस होते रहना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या डायबिटीज की समस्याओं में किडनी फेलियर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आपकी किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती है तो शरीर में तरल और अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे तंत्रिकाओं में क्षति हो सकती है। किडनी फेलियर के लक्षण में पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने की दिक्कत ज्यादा देखी जाती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या भी हाथों पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने का कारण बन सकती है। तो ये तो थी हाथों पैरों में झुंझुनी या सुन्न होने से होने वाली बीमारियों की बात, लेकिन इसके अलावा और भी कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले किसी विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं। बाकी अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।